ये मोड हो गए, ये क्या था, अलग अलग पार्ट्स अपने पास अलग अलग टाइप है, काफ़ी सारी टाइप है। करिष्यामि नमः। भगवान की सन्निधि देवता के समय ओम चंद्र महानो सरोचाग्नि प्राण भोग अग्नि जयता हरि ओम देवी देव। आदरणीय ज्ञाति राज्य परिवार जी, बहुत गंभीरता से सब चीजों में क्या हो गया है और क्या बचा है उस पर उनका ध्यान है। निश्चित रूप से वो बातें जो करती हैं उसको सरकार भी मानती है और प्रशासन भी मानता है और जो भी यहाँ की डिमांड आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सौगातें और विश्लेषण का, किस तरह से कार्य किया जा रहा है उसके ऊपर प्रकाश डाला। और माननीय विधायक जी, रोड है जिसको 20 मीटर करना जरूरी है। अब मैं सोचू कि कहां से मंजूर कराओ, उसके पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये करा लूंगी, बस आप घोषणा करेंगे। इसलिए इनकी संजीदगी और इनकी जो क्योंकि काम देखिए, काम तो पीछे लगने से होता है, सिर्फ मार्ग उठा देने से काम नहीं होता है कि हमें मुख्यमंत्री जी को और संबंधित मंत्री को ज्ञापन दे दिया और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये नजर रखनी पड़ती है कि मुख्यमंत्री को कागज दिया तो मुख्यमंत्री तो इस धरती से दौलत पैदा करके अपनी गरीबी तो दूर ही कर सकते हैं, बहुत लोगों की गरीबी, क्योंकि उससे किसान की जेब में पैसा आता है तो व्यापार बढ़ता है, चीजें ज्यादा खरीदी जाती है, खरीदी बिक्री बढ़ती है और खरीदी बिक्री बढ़ती है तो व्यापार बढ़ता है, उससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, उससे बेरोजगारी दूर होती है और उससे फिर गरीबी दूर होती है। इसलिए अटल जी के इस मंतव्य को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरित क्रांति लाने का काम किया। दूसरी क्रांति है पर्यटन की क्रांति। दुनिया में बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर एक सुई नहीं बनती, लेकिन टूरिज्म के लिए उन्होंने अपना दरवाजा ऐसा खोला कि उनकी देश में दुनिया में टॉप 10 इकोनॉमीज में से उन देशों का भी नाम आता है। छोटे छोटे देश हैं लेकिन टूरिज्म इतना है कि वहां से उनकी अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हो गई है। और तीसरी क्रांति है औद्योगिक क्रांति, जो देवास ने देखा है और भी ज्यादा सपने देखे जा रहे हैं, उसको विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है इंदौर में। और अब तो मुख्यमंत्री ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करके हर संभागीय मुख्यालयों में, अभी रीवा में हुआ था, सागर में हुआ था, होशंगाबाद में होने वाला है और शहडोल में होने वाला है, ग्वालियर में हो चुका है, भोपाल में हो चुका है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से उस क्षेत्र में क्या पोटेंशियल है उसका पता चलता है, उस क्षेत्र में कौन लोग प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो सकते हैं उनको बुलाया जाता है। कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, कल से काम शुरू करिए, क्योंकि भूमि पूजन श्री मंत्री जी ने इसलिए कराया है कि आप काम जल्दी शुरू करिए, क्योंकि काम शुरू करने में देरी हो रही है और इसको पूरा डेट भी बता दीजिए तो कार्पण कब करना है। डेट बताइए, 10 महीने का टाइम है। तो 10 महीने का है लेकिन काम इतना बड़ा नहीं है कि 6 महीने हो सकता है। कलेक्टर साहब इसकी मॉनिटरिंग करिएगा, काम की स्पीड और काम की गुणवत्ता ये दोनों सुनिश्चित करें, क्योंकि भूमि पूजन होता है काम को शुरू करवाने के लिए, लोकार्पण होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कोई काम पूरा नहीं होता तो हम लोग मुख्यमंत्री जी का या जो भी डिग्नेटरी आ रहे हैं उनका समय ले लेते हैं, तो फिर बता देते हैं विभाग को, कलेक्टर को कि फलाने तारीख को इसका लोकार्पण करना है, तो जो काम 4 महीने बाद पूरा होने वाला होता है वो दिन रात करके उसको फिर 1.5 महीने में ही पूरा कर लेते हैं। तो इस काम को गुणवत्ता के साथ पूरा करें, मुझे बड़ी खुशी है। खंडेला जी ने बताया कि ये कितना इंडस्ट्रियल रिच एरिया है, अब वो इंदौर के नज़दीकी होने का जितना एडवांटेज लिया जा सकता है देवास में हुआ, लेकिन अब आपकी क्लस्टर की प्रॉब्लम है क्योंकि देवास में इतना कुछ होने के बाद भी और औद्योगिक क्रांति की यहाँ संभावना है, विस्तार की संभावना है। और उसमें लैंड पूलिंग स्कीम की भी बात हो रही थी कि लैंड पूलिंग स्कीम से क्या और जमीन एक्वायर करके और हम उस जमीन को ले सकते हैं। लैंड पूलिंग में विन विन सिचुएशन होती है, किसानों को भी फायदा हो जाता है और इंडस्ट्रियल एरिया भी प्राप्त हो जाता है, इंडस्ट्री आती है तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वृद्धि होने के साथ वहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और समृद्धि आती है। इससे 3 प्रकार की क्रांतियाँ जिस इलाके में हो जाती हैं उस इलाके में मैं हमेशा कहता हूँ कि दूरबीन लेके भी ढूंढने पर गरीबी और बेरोजगारी देखने को नहीं मिलती। तो एक क्रांति है पर्यटन की क्रांति, दूसरी क्रांति है हरित क्रांति, इरीगेशन। मध्य प्रदेश में
पूर्व सरकार के दौरान से भी लेके और आज तक लगातार 7 लाख हेक्टेयर से सिंचाई के रकबे को मध्य प्रदेश में बढ़ाकर पहुंचा दिया गया है 50 लाख हेक्टेयर। हमारा टारगेट है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का टारगेट है कि 5 वर्ष पूरा होते होते मध्य प्रदेश में 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई का पानी किसानों के खेतों में पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इससे हरित क्रांति होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि देश को समृद्ध बनाना है तो एक ही तरीका है, धरती से दौलत पैदा करने के लिए नदियों को जोड़ दिया जाए, सिंचाई के नहरों का जाल बिछा दिया जाए, हमको प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों को अपने अपने स्तर पर जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं पर काम करना पड़ेगा। मैं बधाई देता हूं आपको कि आपने एक अच्छा कदम उठाया। ना तो जमीन की कमी है, ना अच्छे इंडस्ट्रियल पॉलिसी की कमी है। एक बार अटल जी को अमरीका के राष्ट्रपति ने जब पोखरण का विस्फोट हुआ था तो धमकाया था कि अटल जी आपने बिना मुझसे पूछे